हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट हमारे बिजनेस स्टेटिस्टिक्स और उसका लेक्चर नंबर 13। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन किया था, आपके जो लेसन चल रहा है स्टेटिस्टिकल एवरेज, उसी का हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 14। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न समांकों के आधार पर आपको समांतर माध्य, बहुलक और मध्य का ज्ञात करनी है। इट मीन्स मेन मॉडल मीडियन हमारे को फाइंड आउट करना है। साइज और हमारे को सीएफ दी हुई है क्वेश्चन में, और बिलो सीरीज दी हुई है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, 40, लास्ट आपके बिलो 80। क्लियर। और उसके साथ में हमारे को सीएफ दी हुई है और हमारे को क्या करना है, मीन मॉडल मीडियन फाइंड आउट करना है। क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ मीन मॉड एंड मीडियन, साइज हमारे को दी हुई है क्वेश्चन में बिलो 10 और उसके साथ में हमारे को सी एफ दी हुई है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70 एंड देन लास्ट बिलो 80। क्लियर। उसके बाद में सी एफ हमारे पास में 5, 20, 50, 105, 190, 250, 295 और लास्ट है 320। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हमारे को क्या करना है, मीन मॉडल मीडियन कैलकुलेट करने। तो हमने देखा जब क्लासिफिकेशन का जब हमने लेक्चर देखा था तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे को बिलो सीरीज दी हुई है, इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि ये आपके लिए क्या है, सी एफ है। मगर हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये सी एफ लिखा हुआ नहीं है तो बिलो सीरीज दी हुई होगी तो उस केस में हमारे पास में हमेशा क्या मिलेगी, हमारे को सी एफ मिलेगी और नॉर्मल इट मीन्स ऑर्डिनरी फ्रिक्वेंसी हमारे को क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर। तो बिलो सीरीज हमारे को दी हुई है और हमारे को मीन मॉडल मीडियन फाइंड आउट करना है, इट मीन्स पहले तो हमारे को सही तरीके से क्लास बनानी होगी, क्लास बनानी है, और उसके बाद में जो सी एफ हमारे को दी हुई है इस सी एफ से हमारे को एक्चुअल फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर। हमने देखा है जब क्लासिफिकेशन का लेक्चर चला था हमारे इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसमें हमने देखा है कि बिलो सीरीज हो, बिलो हो, अंडर हो, अबव हो, लेस देन हो, मोर देन हो, अप टू हो, उस केस में हमेशा हमारे को क्या मिलेगी, सी एफ मिलेगी। तो उससे हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले नॉर्मल फ्रिक्वेंसी हमारे को कैलकुलेट करनी होगी। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बिलो सीरीज है इसका मतलब हमारे को एक्चुअल क्लास भी बनानी होगी, और जो सी एफ दी हुई है उससे हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, ऑर्डिनरी फ्रिक्वेंसी भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्सिस से। बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, इट मीन्स अगर जो बिलो स्टैंडर्ड हमारे को जो सीरीज दी हुई है उसमें अगर हम देखें तो हमारे को जो डिफरेंस दिख रहा है इन सभी के अंदर, जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है सभी में। इट मीन्स जो क्लास बनेगी हमारी वो किससे बनेगी, 10-10 के डिफरेंस से बनेगी। अब बिलो स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो हमने देखा है कि यदि क्वेश्चन में बिलो स्टैंडर्ड आता है तो उस केस में हमारे को हमेशा क्या मिलेगी, L2 मिलेगी और L1 हमारे को फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर। बिलो स्टैंडर्ड में हमेशा L2 मिलती है और अबव या मोर देन स्टैंडर्ड के अंदर हमेशा हमारे को क्या मिलती है, L1 मिलती है और L2 हमारे को कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर। इसका मतलब है कि बिलो स्टैंडर्ड हमारे को दिया हुआ है, इट मीन्स L2 तो हमारे को दिया हुआ है और L1 हमारे को कैलकुलेट करना है। तो बिलो 10 और सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है, इट मीन्स 10 में से 10 हमने माइनस किया 0 और L2 हमारे पास में है 10। क्लियर। 20 में से 10 माइनस किया 10 और L2 हमारे पास में है 20। या ठीक है, अब इसी तरीके से सभी में डिफरेंस 10 का है तो हम क्या करेंगे, 10-10 के डिफरेंस से क्लास बना देंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपके 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 एंड देन लास्ट 70-80। क्लियर। लास्ट अगर हम देखें तो बिलो मीन्स से कम
80 से कम, अगर 80 में से 10 10 का जो डिफरेंस आ रहा है, 10 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्लास क्या आएगी, 70 to 80 हमारी क्लास आ जाएगी। क्लियर, एक्स हमारे पास में आ गया। अब हमारे को जो सी एफ डी वी है उससे हमारे को क्या करना होगा, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर बिलो स्टैंडर्ड होता है तो हमारे को क्या करना होता है, ऊपर से ही लेस करते हुए चलना होता है, जबकि मोर देन और अबाउ स्टैंडर्ड होता है तो हमारे को क्या करना होता है, जो सी एफ डी वी होती है उसमें नीचे से लेस करते हुए चलना होता है। तो हमारे को जो क्या करना है, बिलो स्टैंडर्ड है तो ऊपर से ही लेस करना है। सबसे पहले 5 20 में से 5 लेस किया 15, 50 में से 20 लेस किया 30, 105 में से 50 लेस किया 55। क्लियर, 190 में से 105 लेस किया 85, 250 में से 190 लेस किया 60, 295 में से 250 लेस किया 45 और 320 में से 295 लेस किया तो 25। क्लियर, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो सी एफ हमारे को दी हुई थी क्वेश्चन में, तो सी एफ से हमने क्या कर ली, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारे को क्या करना है, जैसे हमने कल क्वेश्चंस किया था इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14, उसी की जैसे हमारे को क्या करना है, इसी को आगे जो टेबल बनेगी उस टेबल को आगे ड्रॉ करना है और हमारे को मीन मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करना है। क्लियर, अगर हमारे को अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो उस केस में हमारे को क्या चाहिए, समीशन एफ डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो हमारे को क्या करना होगा, एफ डी एक्स इट मीन्स पहले डी एक्स कैलकुलेट करना होगा और डी एक्स जो आएगा उस डी एक्स को हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जो क्लास है उस क्लास में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज में ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन क्या होती है, थोड़ी ईजी हो जाती है। क्लियर, इट मीन्स फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन। उसमें फॉर्मूला आता है स्टेप डेविएशन मेथड में, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डेस अपॉन एन इंटू आई। तो इसका मतलब हमारे को एफ डी एक्स डेस निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स है उससे मिड वैल्यू निकालेंगे, उस मिड वैल्यू को भी किससे डिनोट करेंगे, हम एक्स से डिनोट करेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाई 2 से, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, जो हमारे आंसर आएंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी मिड वैल्यू कहलाएगी। ये तो हमारी कहलाती है L1 और ये कहलाती है हमारी L2। इट मीन्स 0 प्लस 10 बटे हुए 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 30 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 15। तो हमने देखा कि अगर डिफरेंस इक्वल है तो उस केस में हमारे को क्या करना होता है कि जो एक बार मिड वैल्यू आई है उस मिड वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हमारे को ऐड करते हुए चलना है, तो बाकी जो क्लास है उसकी मिड वैल्यू हमारे को प्राप्त हो जाएगी। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लus 10 55, 55 प्लस 10 65 एंड देन लास्ट 75। अगर हम टैली करना चाहें तो लास्ट क्लास आ रही है हमारी 70 to 80, तो 70 प्लस 80 150 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 75। क्लियर, अब जो मिड वैल्यू आई है अगला कॉलम जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, डी एक्स का बनेगा। डी एक्स कैसे बनाते हैं, किसी एक को एज्यूम मीन मानना होगा और एक्स में से ए हमारे को क्या करना होगा, लेस करना होगा। हमने देखा है कि जो हमारे पास में मिड वैल्यू आई है उसमें से हम किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं। क्लियर, तो अगर हम देखें तो मानते हैं 35 को, किसको मानते हैं 35 को, तो 5 माइनस 35 माइनस के 30, इसमें प्लस माइनस का खास ध्यान रखना होगा। क्लियर, 15 माइनस 35 इट मींस माइनस के 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 0, 10, 20, 30 एंड देन लास्ट 40। हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज में लिया है, इसका मतलब हमारे को क्या करना है, जो डी एक्स आया है उसको आई से डिवाइड करना है, आई मीन्स क्लास इंटरवेल। क्लियर, तो हमारे पास में जो क्लास है वो 0 से 10, 10 से 20 सभी में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स आई का मान क्या माना जाएगा, 10 माना जाएगा।
अब जो हमारे को अगला कॉलम बनाना है वो क्या बनाना है, डी एक्स डेस। और ये कैसे बनता है, जो डी एक्स आया है उस डी एक्स को हमारे को क्या करना है, आई से डिवाइड करना है। क्लियर, इट मीन्स डी एक्स अपॉन आई, आई का मान क्या है 10 है, इसका मतलब जो ये डी एक्स आया है उस सभी को हमारे को क्या करना है 10 से डिवाइड करना है। माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 इट मीन्स माइनस के 3, माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, 0, 1, 2, 3 एंड देन लास्ट 4। नेक्स्ट जो डी एक्स बेस आया है उसको हमारे को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना है। तो हमारे पास में अगला कॉलम क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स बेस। ये कैसे आएगा, एफ इंटू डी एक्स बेस। डी एक्स डेस आया माइनस 3, एफ आया 5, माइनस 3 इंटू 5 माइनस के 15, माइनस 2 इंटू 15 माइनस के 30, 30 इंटू माइनस 1 इट मीन्स माइनस के 30, 0, 85 इंटू 1 इट मीन्स 85, 60 इंटू 2 इट मीन्स 120, 45 इंटू 3 इट मीन्स 135, 45 इंटू 3 135 और 25 इंटू 4 इट मीन्स 100। क्लियर, ये हमारे पास में आ गया एफ डी एक्स डेज। अब हमारे को क्या करना है, इसकी टोटल करनी है, ये टोटल कहलाएगी हमारी समेशन एफ डी एक्स डेज। तो इसमें अगर हम देखें ये वैल्यू आ रही है हमारी माइनस में और नीचे वाली वैल्यू आ रही है हमारी प्लस में। माइनस 30 माइनस 30 60, 60 माइनस 15 इट मीन्स माइनस में जो ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 75। और नेक्स्ट है आपके वैल्यू प्लस में 355 और 85, 360 इट मीन्स 440 जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी प्लस के अंदर। क्लियर, तो 440 में से हम क्या करेंगे 75 माइनस कर देंगे, ओवरऑल जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी प्लस में 365। क्या आ रही है 365 प्लस में आ रही है। नेक्स्ट है आपके फ्रीक्वेंसी, हमारे को एन का मान भी चाहिए, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी हम टोटल कर देंगे तो वो हमारा क्या मानी जाएगी, एन का मान मानी जाएगी। तो अगर हम इसकी टोटल करते हैं तो ये आ रही है हमारे 320। क्लियर, तो हमारी जो एन की टोटल आ रही है वो भी 320 आ रही है। अगर हम सी एफ में लास्ट वैल्यू देखें तो वो भी आ रही है 320, इसका मतलब टोटल सही है। क्लियर, वहीं पता चल जाएगा आपके सी एफ से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सी एफ से मैच नहीं करती है, सेम नहीं आती है, इसका मतलब जो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है वो फ्रीक्वेंसी में कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, मिस्टेक की है, गलती की है। क्लियर, वहीं पता चल जाएगा आपको। तो अभी हमने देखा है कि जो हमारी टोटल आ रही है वो क्या आ रही है 320 आ रही है, और सी एफ की लास्ट की टोटल भी क्या है 320 है, इसका मतलब ये टोटल हमारी सही है, हमने जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है वो भी क्या है करेक्ट है। अब हमारे को क्या करना है, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको फॉर्मूले में फिट करना है। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने किसको माना, ए मीन्स एज्यूम मीन किसको माना 35 को, प्लस समेशन एफ डी एक्स डेस आया हमारे पास में कितना 365 डिवाइडेड बाई एन का मान आया हमारे पास में 320 इंटू आई मीन्स क्लास इंटरवल कितने का है 10 का है। एक्स बार इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाई 320 इट मीन्स 32 हो गया ये। ये आ रहा आपके 11.41। क्लियर, इट मीन्स एक्स बार जो आएगा वो क्या आएगा 35 प्लस 11.41 46.41, ये हमारा क्या आ गया एक्स बार आ गया 46.4। क्लियर, ये आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, मीडियन।
मीडियन के लिए हमारे को क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। तो हमने देखा है कि हमारे को जो बिलो सीरीज दी हुई थी उसी के साथ हमारे को सी एफ दी हुई थी, तो वापस से हमारे को सी एफ फाइंड आउट नहीं करनी है। क्लियर, सी एफ का कॉलम वैसे ही हमारे को क्या है, दिया हुआ है, तो यही कॉलम हमारी क्या आ जाएगा, यूज में आ जाएगा। अब हमारे को मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने देखा है कि कंटिन्यूस सीरीज में अगर हमारे को मीडियन फाइंड आउट करना होता है तो उससे पहले हमारे को क्या करना होगा, मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करना होगा। मीडियन ग्रुप फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले स्मॉल एम का मान कैलकुलेट करना होगा। स्मॉल एम कैसे आता है, एन बाई टू। स्मॉल एम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, एन बाई टू से एन का मान आ रहा है हमारे 320 डिवाइडेड बाई टू, इट मीन्स 160। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, जो 160 स्मॉल एम का मान आया है उसको हमारे को किस में देखना होता है, सी एफ के अंदर देखना होता है। या तो 160 होना चाहिए या 160 से जस्ट बड़ी सी एफ होनी चाहिए। तो अगर हम देखें सी एफ में 105 के बाद में 190 आ रहा है, जबकि हमारे को कितना चाहिए, 160 चाहिए। तो 105 160 से कम है, और अगर हम देखें 190 160 से ज़्यादा है। तो हमने देखा है कि 160 होना चाहिए या उससे बड़ी वाली जस्ट जो सी एफ है वो हमारे को यूज़ में लेनी है। तो 160 से जस्ट बड़ी जो सी एफ आ रही है वो 190 आ रही है, इसका मतलब जो हमारा मीडियम ग्रुप बनेगा वो कौन सा बनेगा, 40-50 बन जाएगा। क्लियर, और फ्रीक्वेंसी जो बनेगी वो कौन से काम में आएगी, 85। इट मीन्स 160 से जस्ट बड़ी जो सी एफ आ रही है उसके सामने जो क्लास है 40-50 मध्य का वर्ग होगा। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया, मीडियन ग्रुप आ गया। अब मीडियन ग्रुप आ गया, हमने देखा है कि जो सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। दो फॉर्मूले हमने देखे हैं कि यदि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो फॉर्मूला अलग यूज में आता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो फॉर्मूला अलग यूज में आता है। क्लियर, असेंडिंग ऑर्डर में है तो इट मीन्स जो एम कैपिटल एम जो हम निकालेंगे, मीडियन हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, एल वन प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल एम माइनस सी एफ। क्लियर, अब हमारे को क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। एल वन बहुलक वर्ग की, सॉरी मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप आया आपके 40-50, इसकी लोअर लिमिट कौन सी मानी जाएगी, 40 मानी जाएगी, इट मीन्स 40 प्लस आई का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप आया 40-50, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, इसका मतलब आई का मान क्या माना जाएगा हमारे, 10 माना जाएगा। फ्रीक्वेंसी एफ का मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, जो मीडियन ग्रुप बनाया है आपने उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 85। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कौन सी आएगी, मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आएगी 85। स्मॉल एम का मान अभी हमने कैलकुलेट किया था, आया था आपके 160 माइनस सी एफ। सी एफ मीन्स जो मीडियन ग्रुप बनाया है आपने उससे जस्ट पहले वाली सी एफ इसमें हमारे को लेनी होती है। क्लियर, मीडियन ग्रुप बना हमारा 40-50, इससे जस्ट पहले वाली सी एफ क्या है, 105। क्लियर, यहाँ आ जाएगा आपके 105। बस अब हमारे को यह करना है, इसी को सोल्व करना है, 40 प्लस 10 इंटू 160 माइनस 105, इट मीन्स 55 डिवाइडेड बाई 85। क्लियर, एम आ जाएगा हमारे इज इक्वल टू 40 प्लस 55 इंटू 10, इट मीन्स 550 डिवाइडेड बाई 85। क्लियर, 550 डिवाइडेड बाई 85, एम इज इक्वल टू 40 प्लस 6.47।
इट मीन्स जो m का मान आएगा वो क्या आएगा हमारे 46.47। क्लियर, ये आ गए हमारे पास में मीडियन मध्य का। नेक्स्ट हमारे को फाइंड आउट करना है मोड नंबर 3। मोड कंटिन्यू सीरीज के अंदर अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो हमारे को क्या करना होता है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। मोड का मतलब ही क्या होता है कि कोई वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है वही हमारा क्या मानी जाती है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड मानी जाती है। मगर हमने देखा है कि कंटिन्यू सीरीज में कैसे दिक्कत करते हैं, तो कंटिन्यू सीरीज में हमारे को क्या देखना होता है कि जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो अगर हम देखें हमारी फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ये, इसमें अगर हम देखें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी 85। क्या आ रही है 85, उसके सामने क्लास आ रही है हमारी 40 to 50, तो यही हमारी क्या मानी जाएगी, मॉडल ग्रुप मानी जाएगी। क्लियर, तो कहने का मतलब है कि अगर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी अगर हमारे को मोड फाइंड आउट करना होता है तो उस केस में हमारे को सबसे पहले मॉडल ग्रुप ढूंढना होता है। और मॉडल ग्रुप ढूंढने के लिए हमने दो मेथड देखे हैं, एक था हमारे इंस्पेक्शन मेथड निरीक्षण विधि, और एक था हमारे समूहन विधि ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन विधि मेथड जो यूज में आएगा वो तब यूज में आएगा जब जो सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो नियमित हो, मतलब उसमें जो डिफरेंस है वो ज़्यादा को बहुत कम का डिफरेंस नहीं हो। तो अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी में तो इन सभी में जो डिफरेंस आ रहा है ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस नहीं है, दो दो का नहीं है, इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, नियमित है, सिक्वेंस में है। कहने का मतलब है कि इसमें जो हम मॉडल ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं वो इंस्पेक्शन मेथड को काम में लेकर के भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को देखने से पता चल रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हमारे 85 है और उसके सामने क्लास क्या आ रही है हमारी 40 to 50, तो ये हमारी क्या हो सकती है, मॉडल ग्रुप बन सकता है। क्लियर, मोड सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मॉडल ग्रुप निकालना होता है। तो मॉडल ग्रुप बाय इंस्पेक्शन मेथड अभी हमने देखा है, इज इक्वल टू 40 to 50, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हमारी 85 है, उसके सामने क्लास क्या आ रही है 40 to 50 आ रही है, तो यही हमारी क्या मानी जाएगी, मॉडल ग्रुप मानी जाएगी। तो हमारा जो मॉडल ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, 40 to 50। क्लियर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 85 है, उसके सामने क्लास 40 to 50, ये हमारा क्या बनेगा, मॉडल ग्रुप बन जाएगा। अब मॉडल ग्रुप में जेड से डिनोट करते हैं, सीरीज जो दी हुई है हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई होती है तो उस केस में जो फॉर्मूला यूज में आता है वो आता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। क्लियर, अब हमारे को जो मॉडल ग्रुप आया है उसमें तीन F चाहिए, F0 भी चाहिए, F1 चाहिए और F2 चाहिए। तो हमने देखा है कि हम तीनों F कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो मॉडल ग्रुप आया है फर्स्ट में तो उसमें F लिखेंगे हम, उसके बाद में एक बार मॉडल ग्रुप से ऊपर F लिखना है और एक बार मॉडल ग्रुप से नीचे F लिखना है। क्लियर, और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ऊपर से करनी है, स्टार्टिंग किससे, जीरो से, 0, 1 और 2, ये हमारे तीनों F का माना जाएगा। क्लियर, अब हमारे को क्या करना है, जो वैल्यू हमने ज्ञात की उसको हमारे को फॉर्मूले के अंदर ओनली फॉर रखना है। L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप क्या है, 40, प्लस F1 85 माइनस F0 55 अपॉन 2F1 2 × 85 माइनस F0 55 माइनस F2 60 इंटू I। I मीन्स क्लास इंटरवेल ऑफ मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप जो आया हमारे 40 to 50, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, इसका मतलब I का मान क्या माना जाएगा हमारा, 10 माना जाएगा। क्लियर, अब हमारे को इसको सोल्व करना है।
इट मीन्स 40 प्लस 85 माइनस 55 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 85 170 माइनस 115 इंटू 10 जेड इज इक्वल टू 40 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 55 40 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 55 5.45। तो इसका मतलब जो जेड का मान आएगा वो क्या हो जाएगा 45.45। ये क्या माना जाएगा, हमारा जेड का मान माना जाएगा। इट मीन्स बहुलक आ जाएगा हमारे पास में कितना 45.45। क्लियर। तो तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, पहला था हमारे अर्थमेटिक मीन, सेकंड मीडियन और थर्ड मोड। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो बीरो सीरीज और उसके साथ में जो सीएफ थी उससे हमने क्या किया, नॉर्मल क्लास हमने बनाई है और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमने बनाई है। अर्थमेटिक मीन अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे को मिड वैल्यू चाहिए। मिड वैल्यू के बाद में हमने स्टेप डेविएशन मेथड इसमें यूज में लिया है, तो उस केस में हमारे को डीएक्स और डीएक्स डेस निकालना होता है। जो डी एक्स डेज आता है उसको फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीपल किया, तो नेक्स्ट लास्ट कॉलम हमारा बना एफ डी एक्स डेज, और उसके बाद में जो वैल्यू है उसको हमने फॉर्मूले में फीड करके आंसर फाइंड आउट किया है। और उसके बाद में मीडियन, मीडियन में हमारे को सिर्फ फ्रीक्वेंसी और सी एफ चाहिए, सी एफ का कॉलम बना हुआ था तो वापस से हमारे को दोबारा नहीं बनाना है। और मोड में ओनली फॉर क्लास और फ्रीक्वेंसी चाहिए, दोनों कॉलम हमने बना लिए थे तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंटिन्यू सीरीज के अंदर भी मीन, मॉड एंड मीडियन कैलकुलेट करते हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमारे को सिर्फ ओनली फॉर अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं। क्वेश्चन है आपके -30 to -20, उसके बाद में 20 to 30, -20 to -10, -10 to 0, फिर आपके 10 to 20, और लास्ट में है 0 to 10, और उसके बाद में उसके नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं। तो जो सीरीज है वो सही तरीके से नहीं है, तो हमारे को सबसे पहले क्या होता है कि उस सीरीज़ को सही सीक्वेंस में जमाना होता है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सीरीज है उसको सही सीक्वेंस में जमाएंगे। और हमने देखा है कि जो माइनस में सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो सबसे छोटी वैल्यू मानी जाती है। तो जो हमारी क्लास है उसमें -30 to -20 है, तो हमारे को जो स्टार्टिंग करनी है वो कहाँ से करनी है, -30 to -20 से हमारे को स्टार्टिंग करनी है। क्लास बनेगी हमारी -30 to -20, नेक्स्ट है हमारे 20 to 30 आ रहा है, मगर फिर भी हमारे -30 to -20 के बाद में नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो क्या आएगी, -20 to -10। 20 to 30 दिया हुआ है मगर वो नहीं आएगी, सबसे पहले कौन सी क्लास आएगी, -20 to -10। सीक्वेंस में हमारे को इसको जमाना होगा, उसके बाद में -10 to 0, नेक्स्ट 0 to 10, 10 to 20, और लास्ट हमारे 20 to 30। क्लियर। ये हमारे पास में
टेम्परेचर दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेज। जिसको हम क्या मानेंगे एफ, और जो टेम्परेचर है उसको हम क्या मानेंगे एक्स। क्लास को हम क्या मानते हैं एक्स मानते हैं, और उसके साथ में जो वैल्यू होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो नंबर ऑफ डेज हमारे को दिए हुए है तो वो हमारी क्या मानी जाएगी फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। -32 -20 नंबर ऑफ डेज आपके 5, उसके बाद में है आपके 20 to 30 नंबर ऑफ डेज है 5, 20 to 30 लास्ट 5, फिर -20 to -10 15, -20 to -10 15, नेक्स्ट है -10 to 0 20, -10 to 0 20, फिर 0 to 10 है 25, 0 to 10 जो नंबर ऑफ डेज है वो कितना है 25, 10 to 20 है 20, और लास्ट 20 to 35। क्लियर? तो हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि क्लास ऊपर नीचे है तो उसके क्लास के सामने जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो ही फ्रीक्वेंसी हमारे को यहाँ लिखनी है। क्लियर? अगर हमने फ्रीक्वेंसी, क्लास तो हमने सही जमा दी मगर उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर उस क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी थी वो वाली फ्रीक्वेंसी नहीं लिख करके एज इट इज हमने पहले जैसे पुरानी फ्रीक्वेंसी थी वैसे लिख दिया तो भी हमारी जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी पूरी गलत बनेगी, और जो हमारे अर्थमेटिक मीन आएगा वो भी क्या आएगा गलत आएगा। तो इसका हमारे को खास ध्यान रखना है, पूरे लेसन के अंदर हमारे को सही तरीके से एक्स और एफ निकालना आना चाहिए। हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, टेबल जो बनेगी आगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई है सेम एज इट इज आगे बनेगी, मगर जो मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो किसमें आएगी एक्स और एफ में। अगर एक्स और एफ हमने सही तरीके से फाइंड आउट कर लिया है, सही तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया है तो बाकी जो टेबल बनेगी वो सेम बनेगी, उसमें आगे आपकी कोई गलती नहीं होगी। कैलकुलेशन का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लस माइनस का, अदरवाइज मेन जो है इसमें एक्स और एफ हमारे को सही ज्ञात होना चाहिए। क्लियर? तो हमने एक्स और एफ हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो क्लास है जो हमारी जो सीरीज है कंटिन्यू सीरीज है तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा मिड वैल्यू निकालनी होगी, वो मिड वैल्यू भी हमारी क्या मानी जाएगी एक्स मानी जाएगी। -32 -20 मिड वैल्यू क्या आएगी हमारी 25 माइनस के अंदर। क्लियर? -20 to -10 मिड वैल्यू 15 माइनस के अंदर, -10 to 0 -5, 0 to 10 5, 10 to 20 15, और 20 to 30 25। क्लियर? ये आ गई हमारे पास में मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे ज्ञात की हमने L1 + L2 / 2 से। इट मीन्स -20 to 30 ये तो L1 बनी जाएगी, -20 आपकी क्या कहलाएगी L2 कहलाएगी। क्लियर है? ऐसा नहीं कि -30 -20 ऐसे दिया तो सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सीरीज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। माइनस की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो क्या मानी जाती है सबसे छोटी वैल्यू मानी जाती है। क्लियर? तो L1 है -30, L2 है -20, -30 + -20 क्लियर डिवाइडेड बाई 2 किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास में -25। तो इस तरीके से हमने क्या किया मिड वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे को क्या करना है मिड वैल्यू से dx फाइंड आउट करना है। dx कैसे हम निकालते हैं, किसी एक को एज्यूम मीन मानना है हमारे को। क्लियर? x में से a माइनस करना होता है, जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या कहलाती है dx कहलाती है। अपनी इच्छा से हम चाहे जिसको मान सकते हैं, प्लस की 5 को मान लेते हैं। -25 में से हमारे को क्या करना है माइनस करना है 5। क्लियर? माइनस की 25 में से माइनस किया 5 तो वैल्यू आएगी 30, क्योंकि माइनस माइनस से दोनों साइड में तो वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और साइन जो आएगा वो कौन सा आएगा माइनस का आएगा। जैसे -25 में से माइनस करना हमारे को क्या 5, तो 25 भी माइनस में है, 5 भी किसमें है माइनस में है, तो 25 और 5 क्या हो गई 30, मगर जो साइन आएगा वो क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। क्लियर? इसी तरीके से आगे -15 में से माइनस करना अपने को 5, ये आएगा -25।
20, माइनस फाइव में से माइनस किया 5, माइनस 10, 5 माइनस 5, 0, 15 माइनस 5, 10, 25 माइनस 5, 20, क्लियर। ये हमारे पास में आ गया dx। क्लियर। अब हमारे को क्या करना है, जो dx आया है अगर हम क्लास में देखें तो क्लास में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस समान है। डिफरेंस समान होता है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज में ले सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड पे क्या होता है, जो dx आता है उसको हम क्या करते हैं, i से डिवाइड कर देते हैं और dx देश का कॉलम बना देते हैं। अगला कॉलम जो बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, dx देश। वो कैसे आता है, जो dx आया उसको मेरे को क्या करना है, i मीन्स क्लास इंटरवल। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो मान क्लास इंटरवल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इस मीन्स जो dx आया उसको मेरे को क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 और 2, इन सभी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में क्या करना है, जो dx डेस आया उसको फ्रीक्वेंसी से हमारे को मल्टीपल करना है। तो अगला जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, f dx डेस। कैसे बनेगा, f इंटू dx डेस, क्लियर। 5 को माइनस 3 से मल्टीपल किया, माइनस 15, 15 माइनस 2, माइनस 30, 20 माइनस 1, माइनस 20, 0, 20 इंटू 1, 20, 5 इंटू 2, 10। ये हमारे टेबल बन गए। अब हमारे को क्या करना है, अरिथमेटिक मीन स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला आता है हमारे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डी एस अपॉन एन इंटू आई। अब हमारे को समेशन एफ डी एक्स डी एस चाहिए, एफ डी एक्स डी एस हमने कैलकुलेट कर लिया तो इसकी टोटल जो आएगी वो कहलाएगी हमारी समेशन एफ डी एक्स डी एस। अगर हम देखें ये वैल्यू तो आ रही है हमारी माइनस में और ये वैल्यू आ रही है हमारी प्लस में, प्लस में तो है 30 और माइनस में है 65। ये किस में है, माइनस में। ओवरऑल जो हमारे आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस में 35। एन का मान चाहिए तो जो फ्रीक्वेंसी की टोटल है वो हमारी क्या कहलाएगी, एन कहलाएगी। इसकी टोटल आ रही है हमारे पास में, क्लियर। अब हमारे को क्या करना है, इसको फॉर्मूले में रखना है। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने माना है 5 को, प्लस समेशन एफ डी एक्स बेस आया माइनस के 35, एन का मान 90 इंटू क्लास इंटरवल 10 का। एक्स बार इज इक्वल टू 5 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आपके 35 डिवाइडेड बाई 9, 3.88। x बार 5 माइनस 3.88 इट मीन्स 1.12, क्लियर। ये हमारा आ जाएगा अरिथमेटिक मीन किसमें, स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग, क्लियर है। हमारे को मेन ध्यान क्या रखना है, x और f का ध्यान रखना है। माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी कहलाती है। सीरीज जो ऊपर नीचे दी हुई होती है उसको हमारे को क्या करना है, सबसे पहले सही तरीके से सीक्वेंस में जमाना है। क्वेश्चन में सीरीज ऊपर नीचे दी हुई थी तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, सीरीज को सही तरीके से जमा करके स्टार्टिंग की है। उसके बाद में जब सीरीज अगर हम सही तरीके से जमाएंगे तो उसमें हमारे को उसकी फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान रखना होगा। जो फ्रीक्वेंसी है, जो सीरीज आ रही है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारे को फ्रीक्वेंसी लिखनी है, क्लियर। और फिर उसके बाद में जैसे हम टेबल बनाते हैं वैसे हमारे को क्या करना है, टेबल बनानी है और ये आपका अरिथमेटिक मीन कंप्लीट हो जाता है। हमारे को इस क्वेश्चन में एक ही फाइंड आउट करना था, अरिथमेटिक मीन जो हमने
कैलकुलेट कर लिया है, इसके अलावा और मोडियन सॉरी मीडियन और मोड हमारे को कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें ओनली फॉर अर्थमेटिक मीन ही हमारे को ज्ञात करना था। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, आज के लिए इतना ही, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे इससे जस्ट बाद वाले लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।